यूपी बोर्ड ने शनिवार को हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट वक्त से पहले घोषित कर नया इतिहास बना दिया। बीआर इंटर कॉलेज फतेहपुर सीकरी की सौम्या ने 97.17% अंक से 10वीं में आगरा जिला टॉप किया। इंटर में पीएम इंटर कॉलेज भोलपुरा कुंडौल की अनु ठाकरे ने भी बाजी मारी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल जारी कर दिया गया। आगरा में हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 94.98% और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 83.28% रहा। बीआर इंटर कॉलेज फतेहपुर सीकरी की सौम्या ने 97.17% अंक प्राप्त कर हाई स्कूल में आगरा जिला में टॉप किया। मेरे आज रिजल्ट में 77% बनी है। मैं इसके लिए अपनी सारी अध्यापक शिक्षक और अपने परिवार को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैं आगे चल के वकील बनना चाहती हूँ। श्री शिव प्रसाद राष्ट्रीय इंटर कॉलेज अचनेरा के गौरव यादव ने 96.5% के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भगवती देवी जैन कन्या इंटर कॉलेज की काजोल कुमारी ने 95.17% अंक प्राप्त किए और इतने अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान भी प्राप्त किया। आगरा में 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सौम्या आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती है। वह अपने नाना के यहाँ फतेहपुर सीकरी में रहती है। विगत 5 वर्षों से उसकी माँ गुड़िया देवी मायके में ही रह रही है। अनु ठाकरे पीएस इंटर कॉलेज भोलपुरा कुंडोल 97% के साथ पहले स्थान पर है। आगरा में 31 मार्च को मूल्यांकन कार्य समाप्त होने के बाद से परीक्षा फल का इंतजार बना हुआ था। वर्ष 2023 में बोर्ड की तरफ से 25 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया गया। बोर्ड ने वर्ष 2022 में 18 जून, 2021 में 31 जुलाई, 2020 में 27 जून, 2019 में 27 अप्रैल और 2018 में 29 अप्रैल को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल घोषित किया था। इस बार 20 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया गया। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।